मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल। टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 20 फ्रॉम योर ईबीएस बुक क्लास फोर्थ। चैप्टर नेम इज पार्ट्स ऑफ ए प्लांट एंड देयर यूजेस। जो प्लांट के पार्ट्स हैं और उसकी यूजेस कैसे होती हैं, उसका जो क्वेश्चन आंसर है आज देखेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नंबर वन क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर वन। ओके, क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रूट्स? रूट्स का इम्पोर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रूट्स? ओके, आंसर, रूट्स प्ले अन इम्पोर्टेंट रोल फॉर प्लांट्स। रूट्स एंश्योर plants in the soil. ठीक है, जो roots होती है वो बहुत importance होती है plants के लिए, और उसका जो role होता है बहुत important है किस लिए कि जैसे हम एक प्लांट को लगाते हैं तो वाटर वगैरह कहाँ है, हम ओपन नहीं उसकी जो सॉइल में हम देते हैं, सॉइल से वो ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है रूट्स का। अगर जड़ सही नहीं है तो क्या होगा, प्लांट नीचे गिर जाएगी, इसलिए वो जड़ को पकड़ के रखता है। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू इज व्हाट आर रियल रूट्स? रूट्स आंसर, रूट्स आर नॉट ऑलवेज अंडरग्राउंड when they remain hanging in the air. They are called aerial roots. जो रूट्स होता है हर समय क्या है, अंडरग्राउंड में नहीं होता, नॉट ऑलवेज अंडरग्राउंड में। ठीक है,
तो वो क्या है, उसका कुछ है हैंगिंग भी होती है, ठीक है। जो हैंगिंग वाले रूट्स होते हैं उसको बोलते हैं एरियल रूट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। What is a flower? Name its different parts. What is a flower? Name its different parts. Different parts. Okay. Answer. A flower is the part of a the part. Of a plant that makes seeds. Flowers क्या है, एक part है plant की, और वो क्या करता है, सीड्स को मेक करता है। उसका जो पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स लिखेंगे क्या क्या है, स्टेमेन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट इज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और क्या क्या है, स्टेमेन, स्टेमेन उसके बाद है फिलामेंट, उसके बाद है एनर, पिस्टल, स्टिग्मा, स्टेली, ओवरी, पीतल, कैलेक्स, एक्सेट्रा और भी है। ओके, ये है जो प्लांट का पार्ट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स टुडे क्लास इज इनफ, टुमारो वी विल गोइंग टू अनदर क्वेश्चंस। ओके, मीन्स यहाँ के जो 1, 2, 3 क्वेश्चंस आज कंप्लीट कर दिए, कल 4 और 5 हम करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।